हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज है तीसरा नवरात्रा और मेरे फास्ट कंटिन्यू है। तो आज छुट्टी है तो इसलिए थोड़ा लेट उठा था मैं, और उठते ही स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग। और देखिए, सुबह सुबह वेदर थोड़ा सा अच्छा था, अच्छी हवा भी चल रही थी और थोड़ा सा क्लाउडी भी था। आज लेट उठा था मैं, 7 बज गए थे उठते तो देखिए आज यहाँ पर लोग, कुछ लोग हैं वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार। थर्सडे है, आज मैंने पहना है येलो कुर्ता। सो ये है मेरा आज का लुक, आज का आउटफिट। आई नो अच्छा तो लग ही रहा है, इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी पिक्स भी खींची थी। यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लॉग के साथ साथ पिक्चर्स भी खींची, और बाय चांस अथर्वा ने भी चाचू के साथ ट्विनिंग कर ली है। ही इज़ ऑल्सो वियरिंग येल्लो येल्लो, सो वी वो था येल्लो येल्लो हैंडसम फेलो। ये देखिए, उसको था कि फ़ोन मेरे हाथ में दे दो, मुझे ब्लॉगिंग करनी। और फिर हम गए मंदिर। ये देखिए, मंदिर जाता हुआ भी ये लड़का कितना तंग करता है, कभी भागता है कभी कुछ करता है। और यहाँ पे ये ध्रुव काट रहा था, जिसमें मुझे देखता है रोज़। और यहाँ पे पहुँचे हम मंदिर। मंदिर में हमने दर्शन किए, शिवलिंग पे जल चढ़ाया और फिर फूल लेके वापस आ गए। यहाँ पे मैं इसे बातें कर करके इसके कह रहा हूँ मुझे थोड़ी सी पारी पारी कर दे, फाइनली इसने मुझे पारी कर दी, ये देखिए। और फिर हम आ गए घर। घर आके भाई सुबह की पूजा, छुट्टी का दिन था तो आज काफ़ी लेट हो गया था। पूजा करते करते मुझे 11 बज गए, ये देखिए। और आज ये चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का। आज इसमें जो महिषासुर के वध के बाद जो देवता माता को थैंक यू करते हैं, वो वाली पूरी कहानी है। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैंने पी चाय। और देखिए, मैं पूजा कर रहा था, थरवा वहाँ पे आ गया, कैसे टीका वीका मेरे पूरे माथे में मुंह में हर जगह उसने टीका ही टीका कर दिया। तो अभी मैं पीऊँगा आराम से चाय। और देखिए, ये शाम का टाइम, शाम को मैंने चेंज वेंज करके पूजा की। पूजा करने के बाद अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्या बनाएं खाने में। तो खाने के लिए आज मैंने सोचा है आज बनाएंगे कुट्टू के पकोड़े और चटनी। चटनी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आंवला और टमाटर की चटनी। यहाँ पे 2 आंवला मैंने डाल दिए काट के, साथ में डाला है धनिया, पुदीना ढेर सारा। ये देखिए, यहाँ पे 1 टमाटर काट के मैंने डाल दिया। और तो इसमें कुछ डलेगा नहीं, बस थोड़ा सा सेंधा नमक और चीनी इसमें डलेगी, और इसको पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, हरी मिर्च भी डाली थी मैंने इसमें, हरी मिर्च इज़ मस्ट फॉर एनी चटनी। ये देखिए, तो घर 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 करके अच्छे से इसको हम मिक्सी में चला लेंगे और हमारी चटनी बिल्कुल हो जाएगी तैयार। ये देखिए, ये हरी भरी चटनी, ये 2-3 दिन चल जाएगी मेरी। और सुबह ना आलू फ्राई करे थे हमने चाय के साथ, तो आज उन्हीं लेफ्ट ओवर आलू का मैं बनाऊंगा पकोड़ा। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कुट्टू का आटा मिक्स कर लिया, इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, नमक, ये सारा डाल के इसको अच्छे से पेस्ट इसका बना लिया। पेस्ट बना के मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में कर लिया, जैसा कि बैटर चाहिए होता है पकौड़ों के लिए। ये देखिए, ये बन के हो गया तैयार। और इसके बाद तेल मैंने करा गरम और ये पकोड़े छान लिए फटाफट से, क्रिस्पी से पकोड़े इसके मैंने बनाए थे। काफ़ी सॉफ्ट भी थे, अंदर से सॉफ्ट थे और बाहर से क्रिस्पी बने थे ये बहुत। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 करके आपको पकोड़े, जैसे नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं, उसके बाद तो वही प्रोसेस है, बनाते जाएंगे। मीडियम गैस पे इसको पका लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। और देखिए, ये थोड़े थोड़े करके सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए। सो 2 दिन मैंने फ्राइड अवॉइड किया और आज एकदम डीप फ्राइड वाले पकोड़े मैंने बना लिए। चलो, थोड़ा चेंज भी चाहिए था। तो यहाँ पे आज का मेरा डिनर, हरी चटनी आंवला टमाटर की, साथ में खीरा, छाछ मस्ट है। पूरा दिन गर्मी रहती है, खाली पेट ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए छाछ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो मैं खूब पानी पी रहा हूँ, दिन में कुछ ज़्यादा खाता नहीं हूँ मैं, 1-2 फ्रूट, आज आलू खाए थे तो आलू भी नहीं खा रहा हूँ मैं।
और शाम के टाइम ये मेरा डिनर टाइम। कल मिलते हैं, बाय।